क्वेश्चन नंबर थ्री के दो तीन पार्ट है, सबसे बी जे एंड सी का प्रॉफिट कितना हुआ है, अच्छा लॉस है कितना, 120,000 का लॉस है। अब ये लॉस है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, लॉस लाख 30,000 का लॉस हुआ, लॉस है तो उसको नेगेटिव में कर देंगे, ब्रैकेट्स में कर दिया, ठीक है, माइनस। अच्छा तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहला क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4%, कैपिटल्स कितने इनके, 35,000, 26,000, 40,000 का 4% कैलकुलेट कर रहे हैं, 35, 26, 40,000 का 1,400, 1,040 और 1,600 और टोटल 4,040। ओके ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद अच्छा सी को सैलरी मिल रही है 25,000 और जे को 14,000 सैलरी, ये सैलरी आ गई 14,000, 25,000, टोटल सैलरी हो गई 39,000। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, इसको इग्नोर करते हैं। फिर क्या, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, क्या मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ, इसके लिए क्या करेंगे, अब रिमेनिंग प्रॉफिट बताएं कितना होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बताएं, रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस कितना होगा, कौन बताते हैं पहले, सेवेंटी 9,696, चलिए 76,960, 76,000 जी, रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस कितना है, एक आंसर आया 976 माइनस 1,630,040 जी, लास्ट में आपको पता है रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, 76,000 प्रॉफिट है लॉस है, है क्या ये प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट है, नेट लॉस हुआ है, लॉस प्रॉफिट में कैसे आ गया जी, वो कितना मतलब जी, अब ये प्रॉफिट नहीं है लॉस है, तो 120 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे माइनस साइन के साथ, माइनस 120,000, माइनस करेंगे 4,040 माइनस 39,000, ये 163 बन रहा है कुछ जी, तो 163,040 ये होगा रिमेनिंग लॉस, क्योंकि ऑलरेडी लॉस हुआ है, तो आप फिर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो लॉस इंक्रीज हो गया। अब रिमेनिंग लॉस को उनके रेशियो में डिवाइड करें, रेशियो कितना है, 4:3:1, टोटल 8 हो गया, ये इनका रिमेनिंग लॉस शेयर आ जाएगा, ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, शेयर टर्म यूके गए, तो ये इनका रिमेनिंग लॉस शेयर आ गया। अब इनका कॉलम वाइज टोटल कर लेंगे, कॉलम वाइज टोटल कर लेते हैं, तो हर पार्टनर का प्रॉफिट लॉस शेयर आ जाएगा। अब इसमें देखिए बी और जे को तो लॉस हो रहा है और सी को प्रॉफिट हो गया है, बी को लॉस हुआ 80,120 का, जे को लॉस हुआ 46,100, सी को प्रॉफिट हो रहा है 6,220, क्या सी को प्रॉफिट हुआ है, बाकी दो को लॉस,
पॉजिटिव में आ रहे हैं ना, 6,220 पॉजिटिव है, बाकी ये नेगेटिव, नेगेटिव लॉस और एक प्रॉफिट। और उसकी जो मेन रीजन वो है आपकी सैलरी, इनको सैलरी ज्यादा मिली है तो उसकी वजह से प्रॉफिट, एक पार्टनर को प्रॉफिट हुआ बाकी दो लॉस। कंफ्यूज लग रहे? नहीं, ठीक, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, दो पार्टनर थे, एच एंड सी इन्वेस्टमेंट है 20,000, 14,000 प्रॉफिट हुआ है 25,000। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, माइनर पार्टनर रिसीवर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज है 2%, फिर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 3:2। अच्छा, इसमें एक नया पॉइंट आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अच्छा ड्रॉइंग्स कौन करेगा, कौन करता है, पार्टनर्स, ओनर्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट कौन देगा, ओनर, पार्टनर्स देंगे। अब रिसीव कौन करेगा, बिजनेस। तो बिजनेस के लिए वो क्या है, इनकम, एक्सपेंस, इनकम हो जाएगी तो उससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो काम नहीं करेंगे पहले कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे और उसके बाद फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सही है। अच्छा, अब तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें कितना बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये ड्रॉइंग का अमाउंट नीचे दिया हुआ है 5,000 ईच, आगे लिखा हुआ है फर्स्ट वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करें कितना बनता है, तो जी 100, एक का, एक का, एक का, एक का 100। ठीक है, एक का 100 था, दो का 200, और दोनों वाला था ना, 100 आएगा ना 200 आएगा, और दोनों का 100 ईच, एक आंसर है 50 ईच। बाकी बताएं, 50 ईच या 100 ईच? 50 ईच, जैसे वो 100 आता है ना, क्यों किया, कैसे आया आपको 50, कैसे कैलकुलेट किया? नहीं, दो नहीं, वो तो देखे दो का चक्कर नहीं है, ये लिखा है 5,000 ईच, तो दोनों ने 5,000 ड्रॉ किए, 5,000 का 2% 100 ही बन रहा है, लेकिन आंसर 100 नहीं है। अब वो 100 को दो में डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, 5,000 ईच लिखा हुआ है ना, दोनों ने 5,000 ड्रॉ किए, 5,000 का 2% 100 बनेगा, 100 100 ईच, तो 100 ईच होना चाहिए, लेकिन आंसर 100 ईच नहीं है। आप क्या कहते हैं, नहीं जी, आपने 50 कैसे निकाला था, तुक्का मारा था, भूल गए, स्टार्ट कब हुए, बंद करें, क्या हुआ, हाँ चल ले चलेगा, तो बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, जनवरी, तो एंड कब होगा, दिसंबर में, यह एंड होगा ना, जनवरी में बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, ड्राइंग्स कब किए हैं, जुलाई, तो जुलाई से दिसंबर कितने मंथ्स हुए, 6 महीने, तो इंटरेस्ट 6 महीने का देंगे, साल का 6 महीने का होगा ना, तो ड्राइंग कब किए, जुलाई में एंड दिसंबर, तो 6 मंथ हो गया, तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ का चार्ज होगा। अब कैलकुलेट करें, 5,000 का 2% बनेगा 100, तो उसको 6 मंथ में कन्वर्ट कर लें तो 50 ईच आ जाए। हाँ, देखिए ये जो रेट गिवन होते हैं ना, ये जो रेट यहाँ पर गिवन होते हैं, ये पर एनम होते हैं, ये पॉइंट चल रहे, ये जो यहाँ पर रेट दिया हुआ है 4%, 2%, ये पर एनम रेट होता है, पर ईयर रेट होता है। तो 5,000 का 2% बनेगा 100 पर ईयर, लेकिन ड्रॉइंग किए हुए इनको 6 मंथ हुए, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट बनेगा 50 ईच, 6, हाँ, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 50 आ जाएगा। सही, अब देखिए इंटरेस्ट पार्टनर्स पे कर रहे हैं, बिजनेस रिसीव कर रहे हैं,
पार्टनर के अकाउंट से माइनस करेंगे और बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। ये 50 माइनस माइनस 50 और प्रॉफिट में 100 ऐड होता है। पार्टनर्स पे कर रहे हैं, बिजनेस रिसीव कर रहा है, तो पार्टनर के अकाउंट से माइनस करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। अब बिजनेस का प्रॉफिट हो गया टोटल 25,100। अब ये 25,100 दोनों में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी इसका ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस में डेट्स को आप लोग मार्क कर लिया करें, हाईलाइट से। और क्या बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% है, तो कैपिटल कितना है? ऊपर दिया 20,000 और 14,000। 20,000 का 4%, 14,000 का 4%। क्या देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 800 और 560, और ये टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,360। इसके बाद कोई रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसके लिए क्या करेंगे आप? 25,100 में से 1,360 माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा और वो इनके रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब रेशियो क्या दिया है? 3:2। ये इनका रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आ गया। इसके बाद कॉलम वाइज, अच्छा अब इसका बताएं टोटल क्या बनेगा, एच का टोटल बताएं ना, इसका प्रॉफिट शेयर कितना बन रहा है? एच का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करें कितना बन रहा है, कॉपी बाद में कर लीजिएगा। 1,499 1,499 कुछ आ रहा है। अच्छा इसमें कैलकुलेशन क्या होगी? अब ये माइनस है तो -50 लिखेंगे, ठीक है? -50 प्लस 800 प्लस 14,244, ये माइनस होगा, तो 14,994, और उसका बन जाएगा 10,006। ये लिखा हुआ रेजिडुअल प्रॉफिट, इसके आगे लिख लीजिएगा शेयर, रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर, आगे नोट कर लीजिएगा, लिख लें रेजिडुअल प्रॉफिट, यहाँ आगे लिख लीजिए शेयर का वर्ड लिख लीजिए। आवाज नहीं आ रही, ओके कॉपी कर लें। क्या कर रहे हैं जी? मैं काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम। इसमें भी लिखे क्या हो गया, काम नहीं, हैंड आउट भी खराब, ये समझ में आएगा बता के फिर करेंगे, कीजिए इससे तैयारी कर तैयारी का बायोगैस फुल टाइम डॉक्टर ने सीख मिला काम डॉक्टर से। क्वेश्चन नंबर फाइव। अच्छा अब यहाँ पर एक नया पॉइंट है, इसमें ऐड हो जाएगा गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट शेयर, ठीक है? जिस तरह आपने लेबर में पढ़ा होगा ना, गारंटेड वेज होती है, इसमें क्या होता है? लेबर में आपने पढ़ा है गारंटेड वेज, कम से कम इतनी वेज होगी, अगर एक्चुअल एक्चुअल कम बनी तो एटलीस्ट इतने सैलरी तो मिलेगी उसको। यहाँ पार्टनरशिप में भी ये पॉइंट ऐड हो सकता है कि मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट शेयर, किसी पार्टनर को अभी गारंटेड अमाउंट बता सकते हैं कि इतना प्रॉफिट तो तुम्हें मिलेगा मिलेगा एक्चुअल से। अच्छा अब अगर एक्चुअल उससे कम हुआ गारंटेड से, उसको गारंटेड मिलेगा तो कौन देगा फिर? कंपनी देगी या पार्टनर्स देंगे? गारंटी किसने दी होगी? पार्टनर ने दी, पार्टनर ही गारंटी दी होगी ना। जैसे भाई दो पार्टनर्स हैं, आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कोई और बंदा है तीसरा, अगर ये आपका पार्टनर बन जाए तो इससे आपके बिजनेस को काफी फायदा होगा, तो इस सिचुएशन में आप उसके गारंटेड अमाउंट दे सकते हैं ना कि भाई अगर तुम पार्टनर बन रहे हो तो इतना प्रॉफिट शेयर तुम्हें मिलेगा मिलेगा।
अच्छा, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए एक ऑफर आप कर सकते हैं। ठीक, अब अगर उसका एक्चुअल प्रॉफिट कम बनता है तो बाकी अमाउंट कौन देगा फिर? बाकी पार्टनर्स देंगे, क्योंकि गारंटी किन्होंने दी होगी? बाकी पार्टनर्स नहीं, तो वो अपने प्रॉफिट शेयर में से उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको पूरा करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5, चार पार्टनर्स हैं पीडब्ल्यू ई एंड सी, जो प्रॉफिट दिया हुआ इनका तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशो में। ये पहले क्या है, इनकी इन्वेस्टमेंट दी हुई है और उसके बाद ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स पर डेट देख लीजिएगा किसने कब ड्राइंग की है। उसके बाद ये एग्रीमेंट स्टेट द फॉलोइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डब्ल्यू को सैलरी रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयर रेशियो। उसके बाद है गारंटेड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 42,500 फॉर सी। ये सी के लिए गारंटेड है, सिर्फ सी के लिए। ओके, चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 1,06,250। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। कितना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताएं? 10% है, 10% पर एनम है, ये इनकी ड्राइंग भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट बताएं क्या होगा? 10% है ना, यहाँ पे 10% पर एनम अमाउंट बताइए क्या होगा? आप डेट देख लें, 1,500 होगा पी ठीक का। अच्छा, 3,000 नहीं होगा, ठीक जी। बाकी बताएं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें। ठीक, पीका कितना होगा? पीका बता दें पहले, पी है ना, 1,500, 1,500 जी। क्यों 1,500, 3,000 क्यों नहीं? ठीक जुलाई में तो हर बिजनेस में, हर बिजनेस का ईयर एंड दिसंबर थोड़ी होता है, जनवरी स्टार्ट थोड़ी होता है। है भाई, 3,000 आंसर आएगा, 1,500 नहीं होगा यहाँ पर, जो लाइफ में डल जाए। ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड 30 जून है, तो स्टार्ट कब होगा? जुलाई में, ठीक है। अब ड्राइंग्स कब की है? जुलाई 4, ईयर एंड हो रहा है जून 5, कितने मंथ्स हुए? 12 मंथ, पूरा साल, तो 3,000 चार्ज होगा। पिछले क्वेश्चन को निकाल देने, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जुलाई में 3 महीने, यहाँ पूरा साल है। हाँ, तो हर ईयर है, स्टार्ट जनवरी में नहीं होता, हर बिजनेस दिसंबर में एंड नहीं होता है। अच्छा, इसका बताएं डब्ल्यू का इंटरेस्ट कितना होगा? 3,000 या 1,500 या कुछ और? डब्ल्यू को बताएं, 3,000 जीरो नहीं होगा, बताता अच्छा, आप कह रहे हैं जीरो होना चाहिए जी। बाकी बताएं, इन्वेस्ट 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 तो किया ना, हेलो, वो तो मर गया, उसको छोड़े ना अभी तो। आप तो क्वेश्चन अभी तो उसको देखते हैं ना, जितना इन्वेस्ट किया तो उससे ज्यादा निकाल लिया, हो सकता है उसका प्रॉफिट ज्यादा बने, लग रहा होगा प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, 50,000 20 20 निकाल लो, ठीक है, हो सकता है। अच्छा, इंटरेस्ट बताए कितना बनेगा डब्ल्यू का? 3,000, 1,500, 0, 2,000 कौन है जी, आप लोग बताएं, 0, 3,000, 1,500, 0 इंटरेस्ट होगा। डब्ल्यू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 0, क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून 5, ड्राइंग कब किया उसने? ड्राइंग कब कर रहा है? 30 जून 5, ईयर एंड कब हो रहा है? कितने महीने हुए? एक दिन में नहीं हुआ पूरा, आखिरी दिन ड्राइंग किए, होशियार था। अच्छा, ठीक है, ड्राइंग कब किए? 30 जून को, ईयर एंड भी 30 जून है, तो एक ही दिन में नहीं हुआ ना, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ। ठीक है, बताएं बाय। ई का इंटरेस्ट 2,500 आएगा,
का 3,000 है, ठीक है। डेट्स का ख्याल रखिएगा, ओके। ये लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इनके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे और अब बिजनेस का प्रॉफिट हो जाएगा 1,14,750, ठीक है। ओके, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कैलकुलेट करें जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, अमाउंट बताएं। कितना बन रहे हैं? 5,000 पी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का बताएं, 1,000 पी का 2,500 सी 2,500 250, 2,500 250 अलग होता, 2,500 ठीक है, 2,500 2,500 होते हैं। ओके, ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसका टोटल के लिए हमने 11,000 हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद डब्ल्यू को सैलरी रिसीव हो रही है 5,000, ठीक है जी, डब्ल्यू को सैलरी दे देते हैं 5,000। इसके बाद तो ड्राइंग हो गया, अब ये रह गया रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं, रेशियो में डिवाइड करेंगे 2,134 के ना। अच्छा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे इसमें से, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। कितना आ रहा है? 9,875,0 जी, रिमेनिंग प्रॉफिट आपने में लगे 9,875,0, रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब रेशियो में क्या है, 2,134, टोटल कितने हो गए, 10, 10 बने, 10 से डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय 2,134 हो जाएगा। टू का आ रहे हैं, पीएन का रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, चेक कर लें, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अच्छा लास्ट पॉइंट इसका क्या करें, गारंटेड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 42, इसका क्या करें, यहाँ पे क्या करें, अभी कुछ करना ही नहीं करना, ऐड कर लें, अभी क्या करें, पहले तो इनका एक्चुअल कैलकुलेट कर लेना कितना बन रहा है, उसके बाद क्या करेंगे कॉलम वाइज इनका टोटल कर लेंगे, पहले तो टोटल कर लेते ताकि एक्चुअल हमें पता चल जाए कि वो मिनिमम से कम है या ज्यादा है। अभी टोटल करते हैं कॉलम वाइज, तो ये इनका प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, सी का प्रॉफिट शेयर बन रहा है 39,000, 39,000 तो मिनिमम से गारंटेड अमाउंट से कम है, गारंटेड अमाउंट कितना था इसका 42,500 और सी का एक्चुअल प्रॉफिट बना 39,000, तो कम है, कितना कम है, 3,500 कम। अब सी को 3,500 प्रॉफिट और मिलेगा, देना पड़ेगा, कौन देगा, तीनों पार्टनर्स, ठीक है, तो इन तीनों के प्रॉफिट में से, प्रॉफिट शेयर में से 3,500 एज पर रेशियो माइनस करें, ठीक है। अब ये तीनों पार्टनर जो है पीडब्ल्यूई अपने अपने रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि सी का गारंटेड अमाउंट बन जाए। अच्छा, अब रेशियो क्या लेंगे, अब इसमें आएगा 2,134, ऐड नहीं होगा, टोटल हो जाएगा 6, अब 3,500 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो 3,500 की जो शॉर्टेज थी वो ये तीनों पार्ट, अच्छा ये तीनों पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनके प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे और सी के प्रॉफिट में 3,500 ऐड हो, क्लियर। और इसके बाद फिर इसका सम कर लेंगे तो अब ये इनके प्रॉफिट शेयर आ,
सी को गारंटेड शेयर मिल जाएगा 42,005। अच्छा अभी ये पहला क्वेश्चन तो एंट्री से रिलेटेड है, बाद में करेंगे। सेकंड में ये टी अकाउंट है, ये भी बाद में होगा। क्वेश्चन थर्ड, ये इसमें भी एंट्रीज हैं, ठीक है। फोर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स रीड कर लें, ये सॉल्व। चलो एक मिनट रुकिए, इस प्रोजेक्ट का एक फाइल के लिए लैंप खराब हो, प्रोजेक्ट का फाइल अभी आउट हो जाएगी। बाकी फोर्टीन पॉइंट सिक्स का आंसर बताएं क्या होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है जी, टोटल प्रॉफिट शेयर। तो प्रॉफिट रेशियो दे दिया है, प्रॉफिट है आपका कितना 30,709। सैलरी मिल रही है एक पार्टनर को, दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बताने क्या? ठीक बाकी बताएं। दी आंसर आंसर, हाँ ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दें, उसके बाद हमें शेयर किसका निकालना है, सैम्स का। तो रेशियो क्या है, 3:4। सैलरी माइनस करने के बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 4/7 से, तो सैम्स का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 14.6। प्रॉफिट कितना है, 30,709। सैलरी माइनस करेंगे इसमें से 14,000, प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 16,709। अब हमें सैम्स का प्रॉफिट शेयर चाहिए, तब भी आप क्या करेंगे, 16,709 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7 कर देंगे, कितना आ रहा है, 9,548। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 14.7, 14.7। अच्छा एक मिनट, इसमें बैलेंस कह रहे हैं, व्हाट द एलेक्स करंट अकाउंट बैलेंस, तो भी हमने अकाउंट बनाए नहीं है, ये बाद में करेंगे। 8 में भी करंट अकाउंट बैलेंस, डेबिट क्रेडिट, अच्छा ये गुडविल की बात कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे अभी हम, वो वाली जो भी होती है वो अभी है नहीं। सारे करंट अकाउंट दूसरी ओके, इट्स 14.13।
13, 14.13, 13. ठीक है तो ठीक है अच्छा देखिए रिक्वायरमेंट क्या है. व्हाट वाज द रेसिडुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर. सिर्फ रेसिडुअल प्रॉफिट बताने, रिमेनिंग प्रॉफिट बताने कितना हो. ठीक है, अब इसे प्रॉफिट शेयर नहीं बताने, सिर्फ रेसिडुअल प्रॉफिट का अमाउंट बताना. ड्राइंग से ऐड हो गया सॉल्व कर ले बता. सर फाइव बढ़ जाए सी आंसर अच्छा ग्रीन बाकी बताएं. सारी की वजह से भी आ रहे हैं वेट जी. प्रॉफिट कितना है. 1,08,255. जी आंसर सी. सी तो सर देख लेते हैं. तो प्रॉफिट कितना है इनका. 108,255. ठीक है, जिसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये ऐड हो जाएगा. बातें नहीं, बातें रखें इसको साइड. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होता है ना. बाकी ऊपर सैलरी है. तो सैलरी पहले चले माइनस कर देते हैं. माइनस सैलरी इज 19,000. जिसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट जिसने अमाउंट दिया है 10,200. ये माइनस होगा. 9,300 माइनस करेंगे. इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड होगा 2,100 और 3,300. ठीक है, बस इसको जरा प्लस माइनस कर लेते हैं. ये कितना आ रहा है. 75,155. ये आ जाएगा आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट रेजिडुअल प्रॉफिट. ये हो तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए. सिर्फ ये बताना इसमें क्यों प्रॉब्लम. अच्छा अरे 14.14, 14.14. Which of the following best describes a partnership? जी बड़ा जी अच्छा ए में क्या है. टू पीपल. दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. तीन, चार, पांच. बी में लिखा हुआ है बिजनेस अरेंजमेंट नंबर ऑफ पीपल प्रॉफिट शेयर इक्वली. जो इक्वल होना जरूरी है. सी वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे. ठीक है. अच्छा डी डी नहीं जरूरी नहीं. शेयर होल्डर. नहीं, शेयर होल्डर्स कंपनी में होते हैं. पार्टनरशिप में शेयर होल्डर नहीं होते. पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं. तो डी तो गलत हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर सी सही होगा. ये बताएं 15 बी नॉट बी इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन. तो ये भी आंसर हो जाएगा. इसमें कोई लिमिट नहीं होती. 16, 16.
हाँ ये तो अकाउंट वाला है, ठीक है। अच्छा इतने बड़े ऐसे इतने एमसीक्यूज हैं। हाँ टी अकाउंट वाले क्वेश्चन ज्यादा है, करंट कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। और क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा नहीं चलो इसमें से देख लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा, काफी टाइम। हाँ थोड़ा मतलब थ्री 47 इसका आंसर बताएं क्या होगा। कैलकुलेट करें अकाउंट्स में, इसमें कोई काम नहीं है, अपने प्रॉफिट शेयर निकालना, एंट्री नहीं पूछ रहा, अकाउंट ही पूछ रहा। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन है करंट कैपिटल अकाउंट, तो कोई काम नहीं है। प्रॉफिट कितना है, 27,800 है, सैलरी 3,800 और ड्राइंग भी है, तो अकाउंट का कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही दिया। प्रॉफिट शेयर बताने इसका कितना होगा, प्रॉफिट है 27,800, सैलरी 3,800, प्रॉफिट रेशियो क्या 3:2। ड्रॉइंग्स का कुछ करें, ड्रॉइंग का कुछ नहीं करेंगे, ड्रॉइंग के इसमें कोई काम नहीं है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, ड्रॉइंग नहीं आती। प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं, ड्रॉइंग नहीं आती। अच्छा सिंपली क्या करेंगे आप, प्रॉफिट है 27,800, सैलरी माइनस करेंगे 3,800, चौबीस इसके बाद कितना आ गया 24,000। बताना किसका है, वीवेन का। 24,000 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, डिवाइड कर दें 5, ये या आ जाएगा। या सैलरी माइनस करने के बाद रेशियो में डिवाइड कर दें 3/5, सी आंसर है। तो नीचे वाले में एंट्री है तो ये बाद में करेंगे सॉल्व। थ्री फोर्टी नाइन, 349 नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं 349। हेलो सर, तो क्या बात है, प्रॉफिट रेशियो दे दिया है, डेबिट सैलरी 8,000, पार्टनरशिप दिया था 8,000 को डिवाइड बी आंसर है बी जी, बी आ रहा है, ठीक है। सेम प्रॉफिट में से सैलरी माइनस हो जाएगी, सर उसके बाद रेशियो में डिवाइड कर देंगे 3/5 ना, क्लियर। इसमें क्या है, करंट अकाउंट बैलेंस है, बाद में करेंगे तो करना जाने दें। ओके 3/34 ये इसमें था, हाँ भी किया एबीवी भी 10% है। अच्छा ये करते हैं, प्रॉफिट होगी 355, 355 इंडा 2216 ये सो यानी नहीं ऑप्शन ही पर नहीं है है, ऑप्शन ना दिया भाई नहीं होता है, पर आना भी होता तो पर मन किसने पर दिया अच्छा इंडा जी। कोई नहीं आता 25 25 अब इसमें क्या करना है, सैलरी माइनस करेंगे पहले, उसके बाद रेशो क्या है 2:3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है अच्छा
ये चेंज है, पिछले क्वेश्चन से चेंज है। फाइव, हाँ, टू अपॉन फाइव। पहले सैलरी माइनस कर दें, फिर मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय थ्री करेंगे, उसके बाद सैलरी ऐड होगी। अब फिल्डा का सैलरी किसको मिल रही है? ओ पिछले क्वेश्चन में सैलरी दूसरे को मिल रही थी, पूछा किसी और का। आप जैसे सैलरी मिल रही है उसी का प्रॉफिट शेयर पूछ रहा है, सैलरी भी ऐड होगी ना। पर ये अच्छा फिर देख लेते, देख फिर भी नहीं आ रहा, देखते हैं फिर कुछ और मसला होगा। टैक्स एक मिनट रुक जाए। सैलरी है पर है ना, ठीक है दी, बिजनेस एंड हो रहा है, ठीक है दी, डेट का तो कोई इश्यू नहीं है, देख लेते हैं, कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एच और एस का, देते एच हो गया, एक पार्टनर एस हो गया, और ये टोटल प्रॉफिट कितना है? 73,540। सैलरी मिल रही है हिल्डा को कितनी? 18,000। तो 18,000 माइनस कर दें तो 555,540। अब रेशियो में डिवाइड करें इसको। अब रेशियो क्या था? 2:3 का है, तो मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय थ्री कितना आ रहे हैं? हाँ, मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय फाइव, आगे 16 1 सेकेंड। नीचे जरूरत नहीं है, चल बस टोटल कर लेते हैं। 42,216 आंसर आ रहा है ना। अच्छा पूछ क्या रहे, एक मिनट रुक जाए। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट तो ये बनेगा 40,216, ये ऑप्शन में नहीं है। यस अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देख लेते क्या है। आंसर क्या है? सबको सही है इसमें, और तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। सॉल्यूशन में देख लें, चलो नहीं इसमें ही मसला होगा। 355 है ना, क्या किया भाई सॉल्यूशन में इसने, या वो पूछ किसी और कर रहा होगा। ए दे रहा है, ए क्या किया इसने भैया? 73। अच्छा यहाँ सैलरी कितनी है? यहाँ पर क्या थी? हजार हाँ बस ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही है। हाँ सॉल्यूशन सही है हमारा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें 4,000 माइनस कर दे आंसर। हाँ बस वो यही इशू है। ठीक ठीक है, जो है आंसर भी था बस वो प्रिंटिंग मिस्टेक पता चल गया। ठीक ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 18 और 14 आंसर चेंज हो रहा है सैलरी की वजह से ना। ठीक है जी, चलिए इसको छोड़ देता हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। ये 356। करो 56 वलीमा भाई जैन, सैलरी किसको मिल रही है? जैन को ही मिल रही है, इसको मिल रही है जानकारी जिसका बताना उसी को मिल रही है। जी सैलरी होगी माइनस करेंगे, उसके बाद रेशियो निकलेगा कितना? 4/10। सैलरी माइनस करके मल्टीप्लाई करें 4/10 से, उसके बाद सैलरी ऐड कर ले, इसमें सैलरी ऐड हो जाएगी। फिर बी आंसर आ रहा है जी ठीक है सर सैलरी है, एनुअल सैलरी है, क्या होता है? 357। ठीक चलो बस इसके बाद आगे देखते। फ्रेंड्स।
357 इसका बताना है जिनका टोटल प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो सैलरी माइनस करके रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद सैलरी ऐड कर लेंगे। बी बी आंसर आ रहा है, बाकी बताएं। योजना बता 19 तो क्या रहे, ऑप्शन नहीं है, नहीं, ऑप्शन नहीं, 19160 चलिए ऑप्शन में गलत ऑप्शन में गलत आ रहा है। तो भी जो भी है तो यहाँ पे अच्छा नहीं है, हाँ यहाँ 18 होगा, वहाँ 14 था ना, ये 18 हो सकता है, यही पकड़ लिया सर, पकड़ लिया। लग रहा है। उधर का 18 इधर आ गया, पहले देख लेते हैं। हाँ ये लगता है इधर का 18 और 14 इधर उधर हो गए। प्रॉफिट कितना है, 52,900 माइनस सैलरी 14,000 माइनस सैलरी 6,000, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 से और डिवाइडेड बाय 10। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर इसमें सैलरी ऐड करेंगे इसकी कितनी है, 6,000। ऑप्शन नहीं मैच नहीं हो रहा है, ठीक। अच्छा अभी 14 को 18 करके देखते हैं, वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा चले, क्या ये 357, इसमें क्या क्या किया भाई इसने, होगा 57 का यहाँ पे सैलरी 20,000 आ गई, टोटल है। प्रॉफिट क्या था, फिर क्या प्रॉब्लम है, ये रेशो क्या दिया है, 70, वो भी सत्तर ठीक है, 73 70 30 एक ही बात है। ये आंसर क्या चला रहा है, 15,000, हाँ तो ऐड तो करेंगे ना। अच्छा एक मिनट, रेशियो उल्टा कर दिया इसने, 7:3, वहां पे 3:7 है, रेशियो में हाँ ट्रांसपोजिशन, आपके जैसे ही सवाल रेशियो फिर कैप्लान का बाइकॉट करना यहाँ 7:3 दिया है, ऊपर 3:7 है, क्या ऐसे ही लग रहा है ऑप्शन ये रेशियो। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 3:7 है, वहां 7:10 कर दिया। सेवन। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, इसमें करंट अकाउंट है, ठीक है चलें, ओके देखते हैं। तो शिकायत कर सकते हैं।